sea, esa es la verdad. स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। और ये दिसंबर जनवरी का महीना नहीं है दोस्त, कोहरा लग गया चारों तरफ। सो आज है दिन शनिवार और आज की सुबह इस तरह से चारों तरफ कोहरा लगा हुआ, शानदार मौसम है और मौसम तो कहना ही क्या। चलिए दोस्तों चलते हैं, मार्केट चलते हैं, अब थोड़ा खरीदारी करते हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो इससे पहले कि बारिश वारिश आए मार्केट से सामान ले आते हैं। तो दोस्तों आ गए मार्केट से वापस और अब चूंकि टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, अभी थोड़ा बाहर निकलेंगे थोड़ी देर में, तब तक एक तैयारी कर लेते हैं रात के डिनर की, आटा वगैरह गूंथ लेते हैं ताकि खाने के बाद टेंशन ना हो। ठीक है, अकेले में यही होता है यार, टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ काम आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज खाली दिमाग के आप कल संडे कल का कल ही देखा जाएगा। ठीक है चलिए मिलते थोड़ी देर में। तो सलाम जय हिंद दोस्तों, निकल पड़े हैं फिर से। आइए देखो फुक्का फुला कर। हाँ क्या कह रहे गुरु, पीछे अपने आ रहे हैं चड्डी बड्डीज। कहाँ गुब्बारा पालिएगा, फुलाई थी उस दिन हम दो ले आए थे अपने घर। आज हम क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट बेकार हो जाएंगे तो एक फुला लेते हैं, एक जो है हमें फुला। हिंदुस्तानियों को बधाई, मीरा भाई चानू का और पहला पदक। और हाँ ये हम लोग इस समय खुशी के मारे बिल्कुल पगला गए हैं, जैसे कि हम लोग इस समय टोक्यो की यात्रा में है और यहाँ से टोक्यो कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर है। नहीं अपने बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीइंग अ लेडी और सिल्वर पदक सिल्वर मेडल जीतना 21 साल बाद। रजत पदक, अभी रजत पदक मतलब रंग देखिए बदल गया, अब जल्दी ही गोल्ड आएगा। वेट लिफ्टिंग जिसको हमेशा पुरुषों का खेल माना जाता था और उसमें एक महिला ने इस तरह से अपना धाक जमा दी है, झंडे गाड़ दिए हैं और बोलो भारत माता की जय। अरे वाह ये पौधे लगा दिए हैं भाई यहाँ पे, वाह वाह वाह, ब्यूटिफिकेशन हो गया इस प्लेस का, बड़ा मस्त लग रहा है भाई। हाँ मस्त लगेंगे। ओहो ग्राउंड में भी लगा दिया है, ग्राउंड में भी चारों तरफ प्लांटेशन हुआ है। टाइम हो गया शाम के 6:30 और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पर है। बाकी पार्टी ये टहल रही है और हम लोग भी टहलते हैं धीरे धीरे। रनिंग आज हो नहीं पाई क्योंकि कीचड़ सा है हल्की सी, यहाँ पे मिट्टी दब रही है, ये देख रहे हो। ऐसे में क्या रनिंग होगी यार, मतलब पैदल चलना बहुत ज़रूरी है यार, कि अगर आप अपनी हेल्थ पे नहीं फोकस करोगे। बार बार इस चीज़ में आ रहा हूँ, कम फास्ट तो तेज चलो ऐसे क्या। सबसे पहले मैं समस्त भारतवासियों को बधाई दूंगा कि भारत को आज ओलंपिक में पहला मेडल मीराबाई चानू ने 49 केजी की कैटेगरी में उन्होंने आज मेडल दिलवाया है, सिल्वर मेडल हो गई। तो बहुत बहुत बधाई की पात्र, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बच्चों को अभी से ये सब चीज़ सिखाना और उनके अंदर ये हॉबी डेवलप करना, बिकॉज आजकल के समय में क्या है कि मैक्सिमम टाइम उनका मोबाइल पे कंप्यूटर पे इनकी स्क्रीन पे गुजरता है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है कि आप उन फिजिकल वर्क हो ही नहीं पाता। तो प्रदीप भाई सही कह रहे हैं, तो जैसे मैं कह रहा था फिजिकल वर्कआउट जरूरी है, फिजिकल वर्कआउट जरूरी है, साथ साथ सभी लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को, क्यों सर? यस एकदम सही कह रहे हैं। रहेंगे पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। हमने स्पीड बढ़ा ली है, बाकी लोग पीछे रह गए, मैं और दीपक भाई साथ में चल रहे हैं। आजकल उधर ओपन जिम की तरफ नहीं जाना हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इधर ही आ जाते हैं हम लोग ग्राउंड में।
but never think that you owe me. Yeah, you can talk to me, boy. जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग. इट्स अ न्यू डे एंड न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू होप्स. आज है संडे और टाइम हो गया सुबह के 8:30 हो गए. लेट उठा हूँ, अभी जस्ट उठा ही हूँ. बाकी बाहर दिन बहुत अच्छा है. आज बादल लगे हुए हैं, बारिश होने की संभावना है. मानसून है, सावन लग गया आपको. तो अभी थोड़ी देर मिलते हैं आपसे, बाकी काम वाम निपटा लें. कल से आगे फिर आज वीडियो कंटिन्यू करते हैं. सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर. तो भाई टाइम हो गया सुबह के 10:30. नहा धो के तैयार हो गए, साफ सफाई कर लिए. नाश्ता मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनाया है. नाश्ते बनाया आज भिंडी की सब्जी और ये रोटी बनेगी. और तैयार करते हैं, खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं कुछ काम पे. एक बार आपको